आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमहा MT125 के बारे में, जो कि ये गाड़ी इंडिया में काफ़ी लंबे समय से कमिंग सून में चल रही है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि यमहा MT125 को ही परचेज करना चाहते हैं, लेकिन ये गाड़ी अभी तक इंडिया में लॉन्च ही नहीं हो पाई है। अभी आपको इंडिया में यमहा की MT15 मिलती है, जो कि वो गाड़ी आपको काफ़ी पावरफुल इंजन और काफ़ी अच्छे लुक के साथ मिल जाती है, लेकिन लोग उस गाड़ी को परचेज करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उसका जो माइलेज है वो भी काफ़ी कम है, लेकिन जो गाड़ी का टॉप एंड है वो काफ़ी बेहतरीन है। और वहीं पर आपको इंडिया में यमहा की R15 मिलती है, जो कि वो गाड़ी भी आपको काफ़ी पावरफुल इंजन और काफ़ी अच्छे लुक के साथ मिलती है। MT15 और यमहा की R15 दोनों में जो इंजन है वो सेम है, लेकिन फिर भी लोग MT को लेना पसंद नहीं करते हैं, लोग V3 को पसंद ज़्यादा करते हैं। और V3 जो है वो इंडिया की नंबर 1 स्पोर्ट बाइक है, जो कि वो गाड़ी इंडिया में सबसे फास्ट है 150cc सेगमेंट में। लेकिन इंडिया वाले चाहते हैं कि उन्हें इंडिया में यमहा की MT125 मिले, जो कि वो गाड़ी सेम टू सेम यमहा की MT15 के जैसी हो और उसका जो इंजन है वो 125cc का हो और जो गाड़ी का माइलेज हो वो ज़्यादा हो और गाड़ी का जो प्राइस है वो उनको थोड़ा सा कम मिले, ताकि इस गाड़ी को सभी लोग खरीद सकें। इसका जो लुक है वो आपको सेम टू सेम यमहा की MT15 जैसा मिल जाएगा। गाड़ी में आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, बाकी का आपको पूरी गाड़ी सेम टू सेम यमहा की MT15 के जैसी ही मिल जाएगी। तो बात करते हैं यमहा MT125 के लुक के बारे में। इस गाड़ी में आपको टैंक पर आपको टैंक काउल मिल जाएगा, जहां पर आपको MT125 की बैजिंग मिल जाएगी। इसमें आपको इंजन काउल वगैरह सब कुछ मिलेगा, जो कि आपको यमहा की MT15 में मिल जाता है। यमहा की MT125 में आपको फुली LED का हेडलैम्प मिल जाएगा, जो कि आपको प्रोजेक्टर के साथ मिलेगा, और इसके जो टेल लैम्प है वो आपको मिलेंगे LED के, जो कि काफ़ी शार्प हैं, और इसका जो इंडिकेटर है वो आपको मिलेगा हेलोजन का, जो कि आपको पहले से यमहा की MT15 और V3 में मिल जाता है। अगर बात करें गाड़ी के कंसोल के बारे में, तो आपको इस गाड़ी में फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसमें कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो कि आपको इस CC के सेगमेंट के अंदर चाहिए। कंपनी आपको इस गाड़ी में साइड स्टैंड का टॉप स्विच का फीचर देने वाली है, जो कि यमहा ये काफ़ी अच्छा फीचर देता है अपनी गाड़ियों में। यमहा की MT125 में आपको सिंगल पीस सीट मिल जाएगी, जो कि काफ़ी छोटे साइज की है। यमहा की MT125 ये गाड़ी काफ़ी पॉकेट टाइप की है, यानी कि आपको इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट लगेगा और इसका जो शेप है वो भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिससे कि आपको इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी फास्ट मिलेगी और काफ़ी शार्प मिलेगी, जिससे कि आप इस गाड़ी से कट वगैरह काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे और गाड़ी से जो स्टंट है वो भी काफ़ी दमदार होगा। यमहा की MT125 में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क मिल जाएगी, साथ में आपको मिलेगा सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में आपको मिलेंगे 100mm के टायर, रियर में आपको मिलेंगे 140mm के टायर, और इसके जो टायर्स हैं वो आपको मिलेंगे ट्यूबलेस 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट में आपको मिलेंगे टेलीस्कोपिक के फोर्क। जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी तब आपको इस गाड़ी में USD वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। पीछे आपको मिलेगा मोनोशॉक और इसके जो स्विंग आर्म है वो आपको इंडिया में लोहे के ही मिलने वाले हैं, इसमें आपको इंडिया में एल्यूमिनियम स्विंग आर्म्स नहीं मिलेंगे। यमहा MT125 में आपको 124.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा, जो कि आपको BS6 नॉर्म के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो बात करते हैं गाड़ी की पावर फिगर के बारे में। इस गाड़ी में आपको 15 HP का मैक्स पावर और इसका जो टॉर्क है वो आपको 11.5 Nm का मिल जाएगा। साथ में आपको इस गाड़ी में सिंगल सिलेंडर 6-स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, जिससे कि आपको इस गाड़ी का जो माइलेज है और जो टॉप एंड है वो आपको काफ़ी दमदार मिलेगा और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको फास्ट मिल ही रही है। तो फाइनली बात करते हैं यमहा MT125 के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। यमहा की MT125 जो है, ये गाड़ी आपको इंडिया में लगभग 1.20 लाख रुपीज़ के आसपास एक शोरूम मिल जाएगी, यानी कि ये गाड़ी आपको इंडिया में लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास एक शोरूम मिल जाएगी। तो बात करते हैं गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में। यमहा की MT125 आपको इस साल के मिड तक मिल सकती है। अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो आप चाहें तो गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं, वरना मार्केट में बहुत सी गाड़ियां हैं, जैसे कि यमहा की MT15, KTM की ड्यूक 125, आप जाकर चाहें तो इसे भी परचेज करें, वरना भाई चाहें तो वेट करें। यमहा MT125 की पूरी जानकारी के लिए नीचे मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां जाकर आप यमहा MT125 की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।